हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी से सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आज होने वाला है क्या, वोकैबुलरी का मैराथन रिवीजन क्लास नंबर 1। ओके, टीसीएस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसका जो है कंप्लीट रिवीजन आज होने वाला है। और ऐसे ऐसे अभी 3-4 क्लासेस अभी आएंगे बैक टू बैक, जहाँ पे जो है सारे वोकैबुलरी के क्वेश्चंस जो है यहाँ पर रिवीजन हो जाएंगे। ओके, एसएससी सीएचएसएल 2020 और सीजीएल 2020 के लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट ये आज का क्लास रहने वाला है। और कितने लोग अच्छे से रिवीजन किए हैं प्रीवियस ईयर पे, उनको अच्छा सा कमांड है, ये सब आज उनको खुद देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग सब आदमी सब लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। 1 से 2 मिनट के अंदर में जो है क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगा आपका। सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कर लें। और रात में जो जीके वाला क्लास स्टार्ट हुआ था, जीके स्टैटिक जीके का मैराथन रिवीजन क्लास, वो आज रात में आपका क्लास होगा। ठीक है, यहाँ पर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट है, तमन्ना, स्वाति, प्रियंका, अंकित, पोदार, गुड मॉर्निंग। तो रेडी हैं, एक बार सब लोग कमेंट कर दे बहुत ही उत्साह के साथ, जोश के साथ कि यस सर वी आर रेडी, तो जो है आज का सेशन जो है स्टार्ट किया जाए। एक बार जोश के साथ सब लोग कह देगा कमेंट कि यस सर वी आर रेडी, तो बस खेला होवो तो स्टार्ट होवो हो जाएगा। ठीक है, यस, तो स्टार्ट करें हम लोग अपना सेशन। यस, तो रेडी, यहाँ पर रेडी का जो है यहाँ पर सब लोग कह रहे हैं कि यस रेडी, तो चलिए रेडी करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पीडीएफ बहुत ही सुंदर बना है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट होने जाएगा, है ना। रिविजन क्लास है तो रिवीजन ही करना है अच्छे से। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अ पर्सन एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट। ये सब चीज़ आपका पढ़ा हुआ है, मैंने तो डेफिनेटली आपको पढ़ाया होगा टीसीएस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वोकैब के। तो अ पर्सन एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, बस यहाँ पर मुझे सबका आंसर दिखना चाहिए अभी फिलहाल 1 घंटा। ठीक है, 1 आवर सबका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आंसर दिखना चाहिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बस आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्वार्फ जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, बौना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अ स्टूडेंट हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज अब्सेंट्स हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल, ऐसे स्टूडेंट्स को हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। हर एक क्वेश्चन के लिए 3 से 5 सेकेंड का ही टाइम दिया जाएगा। ओके, अ स्टूडेंट हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज अब्सेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल, राइट आंसर क्या होगा, ट्रॉन्ट जो है यहाँ करेक्ट आंसर होगा, जिसका मतलब क्या होता है, घुमक्कर। नेक्स्ट, अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिविंग बाय बेगिंग। क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बेगिंग, ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, ऐसे पर्सन को कहा जाता है वैग्रेंट। वैग्रेंट का मतलब आवारा, है ना, आवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ पर्सन एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस। क्वेश्चन नंबर 4, अ पर्सन एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस, ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, नेटिव। नेटिव का मतलब होता है निवासी किसी जगह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप, अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप, क्या कहेंगे हम ऐसे को,
राइट आंसर क्या होगा? कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर यहां पे राइट आंसर होगा, कार्टोग्राफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ब्लजिंग आउट इन द मिडल ट्रेडिशनली मेड ऑफ वुडेन स्टेप्स फॉर कीपिंग ऑयल बियर इटीसी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? बैरल हो जाएगा। बैरल का मतलब क्या हो गया आपका, कि द्रव पदार्थ रखने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, एन इनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन, एन इनक्लोजर टू बर्ड्स, एन इनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन, जहां पे बर्ड को रखा जाता है उसको क्या कहेंगे हम लोग, एवियरी। एवियरी जो है यहां पे होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब स्टोन इन मेमोरी ऑफ द डिजीज्ड। क्वेश्चन नंबर 8, शिलालेख को क्या कहा जाता है, एपिटाफ। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम को क्या कहेंगे, पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, कंटेम्प्रोरीज। कंटेम्प्रोरीज यहां पे राइट आंसर है, समकालीन होता है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवन हु बिलीव्स दैट पीपल कैन नॉट चेंज द वे इवेंट्स विल हैपन। समवन हु बिलीव्स दैट पीपल कैन नॉट चेंज द वे इवेंट्स विल हैपन। यहां पे राइट आंसर क्या होगा, फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, भाग्यवादी, आशावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अ पर्सन अपॉइंटेड बाई टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, अ पर्सन अपॉइंटेड बाई टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट को हम क्या कहेंगे, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स को क्या कहा जाता है, राइट आंसर क्या होगा, ब्रूड। यहां पे राइट आंसर होगा, अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स को ब्रूड कहा जाएगा। वेरी गुड, सबका आंसर करेक्ट आ रहा है, बहुत सुंदर जा रहे हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट ऑफ फ्लावर दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, एन एग्रीमेंट ऑफ फ्लावर दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट को हम क्या कहेंगे, गुलदस्ता को क्या कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुकेट यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लार्ज डीप मेटल पॉट यूज फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर। क्वेश्चन नंबर 14, अ लार्ज डीप मेटल पॉट यूज फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉल्ड्रोन। यहां पे करेक्ट आंसर है, बड़ी कढ़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लार्ज डीप पॉट यूज्ड बोथ इन ओवन एंड एज अ सर्विंग वेसल, अ लार्ज डीप पॉट यूज्ड बोथ इन ओवन एंड एज अ सर्विंग वेसल को हम क्या कहेंगे, कैसेरोल। यहां पे राइट आंसर है, बड़ा बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फ्लावर्स और लीव्स वोवेन टूगेदर इन अ सर्किल फॉर प्लेसिंग ऑन अ कॉफिन और अ ग्रेव। फ्लावर और लीव्स वोवेन टूगेदर इन अ सर्किल फॉर प्लेसिंग ऑन अ कॉफिन और अ ग्रेव, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा व्रेत। यहाँ पे राइट आंसर है, है ना, जिसका मतलब होता है फूलों की गोलाकार माला, फूलों की गोलाकार माला हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गिव अप द थ्रोन, टू गिव अप द थ्रोन को हम क्या कहते हैं, टू गिव अप द थ्रोन, टू गिव अप द थ्रोन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एबडिकेट। एबडिकेट यहां पे राइट आंसर है, त्याग करना, स्वेच्छा से त्याग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ऐसा ट्रेड जो प्रोहिबिटेड है लॉ के थ्रू उसको हम क्या कहेंगे, ऐसे ट्रेड को, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलिसिट। यहां पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवैध या गैर कानूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर, वन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर को क्या कहा जाता है,
इसे कहा जाता है फिलिस्टीन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु एम्ब्रेसेस वॉलंटरी डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री। वन हु एम्ब्रेस वॉलंटरी डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री को क्या कहा जाएगा? मार्टियर यहाँ पे राइट आंसर है, शहीद हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवन समथिंग विच इज फिट टू बी ईटन। समथिंग विच इज फिट टू बी ईटन को क्या कहा जाएगा? खाने योग्य यानी कि एडिबल यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है क्योंकि रिवीजन का टाइम है, सब पढ़ा हुआ है, तो इससे ज़्यादा मतलब स्लो में क्या कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये स्पीड सही है। तो प्रीवियस ईयर का मतलब ही होता है कि क्वेश्चन पढ़ा गया और आंसर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, तभी आप समझिए कि आपको उस चैप्टर को अच्छे से याद कर लिए हैं आप, ठीक है। इसीलिए इसी स्पीड को आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। समथिंग विच इज फिट टू बी ईटन को क्या कहेंगे? एडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 22, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा इनकॉम्प्रिहेंसिबल, समझ से बाहर। इनकॉम्प्रिहेंसिबल समझ से बाहर होता है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड। ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे जो लोगों की मदद करे ज़रूरत के टाइम? वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सैमिल्टन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, नेक आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन। सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन को हम क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या होगा? पेटेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर है, पेटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक को हम क्या कहेंगे? वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक को क्या कहा जाएगा? पुस्तक प्रेमी, लड़की पुस्तक प्रेमी को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए, बिब्लियोफिल यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिक्सीशियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर। अ फिक्सीशियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर, इसको क्या कहा जाएगा? उपनाम जिसको हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए, पिजियोडोमिन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। ऐसे जगह को क्या कहा जाएगा जहाँ पे फ्रूट्स को उगाया जाता है, बड़ा किया जाता है? अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, उपवन को कहा जाता है ऑर्चर्ड, ठीक है। ऑर्चर्ड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स को क्या कहा जाएगा? शस्त्र शाला को हम क्या कहते हैं? आर्सेनल। आर्सेनल यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड को क्या कहा जाएगा? जिसे आप तृप्त ना कर सकें उसको कहते हैं हम लोग इनसेटिएबल, यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम्स। द एक्ट ऑफ लुकिंग ऑन पास्ट टाइम्स को क्या कहा जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? रेट्रोस्पेक्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। रेट्रोस्पेक्शन, द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम्स, रेट्रोस्पेक्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस। अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस को क्या कहा जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? इक्विलिब्रियम, है ना, संतुलन कहते हैं इसको, इक्विलिब्रियम, वेयर नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु वॉक्स इन स्लीप। बहुत सारे लोग होते हैं जो नींद में चलते हैं, उसे क्या कहेंगे? वन हु वॉक्स इन स्लीप। राइट आंसर होगा सोमनम्बुलिस्ट, यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सोमनम्बुलिस्ट, नींद में चलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैट विच कैन नॉट बी हर्ड। डैट विच कैन नॉट बी हर्ड को हम क्या कहेंगे?
अनेबल टू लिसन को क्या कहेंगे हम लोग, इन ऑडिएबल यहाँ पे राइट आंसर है, इन ऑडिएबल इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकैपेबल ऑफ बींग करेक्टेड, इनकैपेबल ऑफ बींग करेक्टेड को क्या कहा जाएगा, राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर आएगा इनकॉरिजिबल, है ना, असुधार्य, इनकॉरिजिबल यहाँ पर करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु डज नॉट टायर इजली, जो जल्दी थकता ना हो, वन हु डज नॉट टायर इजली, इसको क्या कहा जाएगा, इनडिफिटाइजेबल यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकैपेबल ऑफ बींग रीड, इनकैपेबल ऑफ बींग रीड को हम क्या कहेंगे, इनकैपेबल ऑफ बींग रीड को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, इलाइजिबल यहां पे राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, दैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ थीन वायर, दैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ थीन वायर को हम क्या कहेंगे, राइट आंसर क्या आएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 37 का, डक्टाइल यहां पे करेक्ट आंसर है, डक्टाइल यहां पे करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसीडर का क्या कहेंगे हम, ट्राइवल यहां पे राइट आंसर है, ट्राइवल का मतलब क्या होता है, तुच्छ, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइबल टू ब्रेक इजली, लाइबल टू ब्रेक इजली, जो जल्दी टूट जाता हो उसको हम क्या कहेंगे, नाजुक, नाजुक कली जिसको हम बोलते हैं, राइट आंसर क्या होगा, ब्रिटल यहां पे राइट आंसर है, ब्रिटल. क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई को क्या कहा जाएगा, जिसे आप तृप्त ना कर सके बहुत जल्दी, उसको हम कहते हैं इनसैटिएबल, यहाँ पे राइट आंसर है, वेरी गुड, सबका सही आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमोस्फेरिक प्रेशर को हम क्या कहेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम जिससे हम मेजर करते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर, राइट आंसर होगा बैरोमीटर, यहाँ पे राइट आंसर है, बैरोमीटर इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ अ कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम, द पार्ट ऑफ अ कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम, इसको क्या कहा जाएगा, जुडिशियरी, न्यायिक, जुडिशियरी का मतलब क्या हो गया, न्यायिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 आ चुका है, समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड को हम क्या कहेंगे, राइट आंसर होगा इनऑडिएबल, यहां पर करेक्ट आंसर है इनऑडिएबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉन्ग संग एट ब्यूरियल, शोक गीत, है ना, शोक गीत को हम क्या कहेंगे, डर्ज यहां पे राइट आंसर है, डर्ज का मतलब हो गया शोक गीत. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, जो अपना ही कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री में जाकर सेटल होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, राइट आंसर यहां पर क्या आएगा, इमिग्रेंट, यहां पे राइट आंसर है इमिग्रेंट, प्रवासी हम बोलते हैं. और एनआरआई डे कब होता है, 9 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीरियड ऑफ टेन ईयर्स को क्या बोला जाएगा, अ पीरियड ऑफ टेन ईयर्स को हम कहते हैं डिकेड, डिकेड कहा जाता है 10 साल, है ना, कंप्लीट होने पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच को हम क्या कहेंगे, जो मौन रहता हो, उसे कहेंगे हम रेटिसेंट, यहां पे राइट आंसर होगा मौन रहने वाला, रेटिसेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, जहां पे हम कपड़े रखते हो उस जगह को हम क्या कहते हैं, अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, उसको क्या कहा जाएगा,
वार्डरोब, वार्डरोब यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 में है, ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स को क्या कहा जाता है? ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, डी फाइनेंस यहां पे करेक्ट आंसर होगा। अवज्ञा कहा जाता है, किसी का बात का पालन न करना, अवज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरल्स डैट गवर्न वंस बिहेवियर, मोरल डैट गवर्न वंस बिहेवियर को क्या कहा जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? इथिक्स यहां पे करेक्ट आंसर है, इथिक्स, इथिक्स कहा जाता है। तो चलिए इस तरीके से 50 क्वेश्चंस फिलहाल अभी कंप्लीट हुए हैं और यहां पर आंसर भी देख रहे हैं, सबका आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब क्वेश्चन आता है यहां पर इडियम्स एंड फ्रेजेस का, क्वेश्चन नंबर 51, द बी द बीज कीप्स को क्या कहा जाएगा? एक 30 सेकंड का बस ब्रेक है। चलिए अभी तक 50 क्वेश्चंस में देखिए अभी क्या हुआ है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ है 50 क्वेश्चंस, अभी 50 क्वेश्चंस होगा आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस का। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कितने रॉन्ग हुए हैं 50 में, ये केवल आप कम से कम कह के बता दीजिए कि 2 गलत हुआ, 3 गलत हुआ, 5 गलत हुआ, कितना गलत हुआ, ताकि एक मुझे अंदाजा मिल सके कि हाँ आपका अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या परफॉर्मेंस है, रिवीजन का क्या सीन चल रहा है आप लोगों का। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, 2 गलत हुआ था अभी तक कि 3 गलत हुआ था। चलिए 50 out of 50, वेरी गुड प्रियंका मजुमदार। चलिए 2-3 गलत जो है इतना अगर होता है तो माना जाएगा, ठीक है। सब सही हुआ है, तमन्ना का भी, अनिक बसु का भी, वेरी गुड। जुलमी जट अभी ज्वाइन किए हैं, अभी ज्वाइन किए हैं तो कोई नहीं, अब आपका 50 क्वेश्चन है इडियम्स का, तो देखते हैं इडियम्स में क्या सीन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, द बीज कीप्स को हम क्या कहेंगे? द बीज कीप्स को कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू थ्रो अ फिट, टू थ्रो अ फिट को क्या कहेंगे हम? टू थ्रो अ फिट को क्या कहा जाएगा? इसका राइट आंसर होगा, टू थ्रो अ फिट का एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना, टू थ्रो अ फिट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट को क्या, इसका इडियम क्या होगा? ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है किसी भी चीजों को रोशनी में लाना, स्पष्ट रूप से जाहिर कर देना, मतलब क्या हुआ? रिवील क्लियरली यहां पर करेक्ट आंसर है, रिवील क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल्ड वाटर, होल्ड वाटर का करेक्ट इडियम क्या होगा? होल्ड वाटर का इडियम होता है यहां पर बात में दम होना, है ना। राइट आंसर क्या होगा? टू बी वैलिड, टू बी वैलिड यहां पर करेक्ट आंसर है होल्ड वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन को हम क्या कहते हैं? क्लोज फिस्टेड पर्सन को क्या कहा जाता है? इसका मतलब होता है एक कंजूस व्यक्ति, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? अ माइजरली पर्सन, अ माइजरली पर्सन यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बेड ऑफ रोज, अ बेड ऑफ रोज को क्या कहा जाएगा? अ बेड ऑफ रोज, राइट आंसर होगा एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन, बहुत ही आरामदायक जिंदगी जब आप जीते हो, एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन होगा अ बेड ऑफ रोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका इडियम क्या होगा? इसका मतलब होता है मुसीबतों का सामना बहुत ही डट कर करना, है ना, करेज के साथ करना। राइट आंसर क्या होगा? टू हैंडल डिफिकल्टीज, यहां पर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का इडियम क्या होगा? इसका मतलब होता है बेकार की कोशिश करना, बेकार की कोशिश करना, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मरे हुए हॉर्स को आप जगाने की कोशिश कर रहे हो, फ्लॉग अ डेड हॉर्स। राइट आंसर क्या होगा? टू वेस्ट द अफोर्ट, यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड फ्यूल टू द फायर,
ऐड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना, किसी भी बुरी परिस्थिति को और बुरा कर देना, यानी कि टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, यहाँ पे राइट आंसर होगा टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस का क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, कोई विकल्प ना होना, कोई विकल्प ना होना, यानी कि सिंगल चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस। राइट आंसर क्या होगा, एन अपेरेंटली फ्री चॉइस वेयर देयर इज नो रियल अल्टरनेटिव्स, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई एंड बाई, बाई एंड बाई का क्या होता है करेक्ट इडियम, राइट आंसर क्या होगा बाई एंड बाई का, बाई एंड बाई का मतलब होता है धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे इंक्रीज होना, यानी कि ग्रेजुअली, यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाई एंड बाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकन हर्टेड, चिकन हर्टेड का मतलब क्या होता है डरपोक, चिकन हर्टेड का ईडियम क्या होता है डरपोक, जिसका जो दिल होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, यानी कि कॉर्डली यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, पुल अ फास्ट वन, पुल अ फास्ट वन का क्या होगा राइट आंसर, पुल अ फास्ट वन, पुल अ फास्ट वन का मतलब होता है किसी पर कोई चाल चलना या धोखेबाजी करने के इरादे से कोई काम करना, पुल अ फास्ट वन, इसका क्या होगा इडियम ट्रिक समवन, ट्रिक समवन यहां पे करेक्ट आंसर है पुल अ फास्ट वन का करेक्ट इडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन सी आई टू आई, सी आई टू आई का क्या होगा इडियम, जब हम किसी की आंखों में आंखें डालते हैं, है ना, कब हम डालते हैं, जब हम किसी के बातों से सहमत होते हैं, है ना, यानी कि राइट आंसर क्या होगा एग्री विथ समवन, एग्री विथ समवन यहां पर करेक्ट आंसर है सी आई टू आई का। नेक्स्ट क्वेश्चन टू पैडल वंस ओन कैनोई, टू पैडल वंस ओन कैनोई का क्या होता है मतलब, इसका मतलब होता है स्वयं पर निर्भर होना, स्वयं पर निर्भर होना, मतलब कि टू पैडल वंस ओन कैनोई, राइट आंसर क्या होगा डिपेंड ऑन वन सेल्फ, डिपेंड ऑन वन सेल्फ यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म, चलिए आंसर सबका आ रहा है वेरी गुड, लाइक ए डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म का क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी डिजेक्टेड यहाँ पे करेक्ट आंसर है, उदास हताश महसूस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन का क्या होगा करेक्ट इडियम, लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को खुद से नीचा समझना, अपने आप को सुपीरियर समझना, किसी और को नीचा समझना, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर टू कंसिडर समवन इनफेरियर, टू कंसिडर समवन इनफेरियर लुक डाउन अपॉन का इडियम है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कीप अब्रेस्ट ऑफ, कीप अब्रेस्ट ऑफ का मतलब, मतलब अपने आप को अपडेट रखना, अपने आप को अपडेट रखना, यानी कि कीप वन सेल्फ अपडेटेड जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है कीप वन सेल्फ अपडेटेड का, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट का इडियम क्या होगा, कम टू द पॉइंट मतलब कि मुद्दे की बात पर आना, है ना, रियल पॉइंट पर आना, यानी कि स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड का क्या होगा करेक्ट इडियम, इसका मतलब होता है किसी को फटकार लगाना, किसी को डांट लगाना, यानी कि टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली इसका करेक्ट इडियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कट एंड ड्राइड, कट एंड ड्राइड का क्या होगा करेक्ट इडियम, कट एंड ड्राइड का मतलब होता है जिस पर फैसला लिया जा चुका है, ऑलरेडी फैसला लिया जा चुका है, ऑलरेडी आप डिसाइड कर चुके हैं,
राइट आंसर क्या होगा, कट एंड राइट का ऑलरेडी डिसाइडेड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, द पीपल वेयर स्केयर्ड बिकॉज द बर्गलर्स वॉज एट लार्ज। द पीपल वेयर स्केयर्ड बिकॉज द बर्गलर वॉज एट लार्ज, इसका क्या होगा राइट आंसर। यहां पे एट लार्ज का क्या होगा इडियम, एट लार्ज का मतलब होता है भाग जाना, है ना, भाग जाना, यानी कि यहां पे राइट आंसर क्या होगा, नॉट काउट, नहीं पकड़ा गया हो। 72 का ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन को हम क्या कहेंगे, दो बर्ड को एक ही पत्थर से मार देना, दो बर्ड को एक ही पत्थर से मार देना, यानी कि एक तीर से दो शिकार करना, यानी कि अचीव टू रिजल्ट विथ अ सिंगल अफोर्ट्स, अचीव टू रिजल्ट विथ अ सिंगल अफोर्ट्स होता है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक ऑफ विथ, मेक ऑफ विथ का क्या होता है करेक्ट इडियम, मेक ऑफ विथ, मेक ऑफ विथ का मतलब होता है भाग जाना, यानी कि टू रन अवे इज योर राइट आंसर, टू रन अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लाइंड एली, ब्लाइंड एली को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड एली का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां से आगे की तरक्की संभव नहीं हो, अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड जो है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 में क्या दिया हुआ है आपका, द एसिड टेस्ट, द एसिड टेस्ट का क्या होगा यहां पर करेक्ट इडियम, एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट का मतलब होता है अ फैक्ट इवेंट्स और सिचुएशन दैट प्रूव्स समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में है, टू टेक अ बैक सीट, टू टेक अ बैक सीट का क्या होता है करेक्ट इडियम, टू टेक अ बैक सीट, किसी चीज का कम महत्वपूर्ण हो जाना, किसी चीज का इम्पॉर्टेंस कम हो जाना, यानी कि राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, टू बिकेम, टू बिकम लेस इम्पॉर्टेंट और टू गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स, ये होता है इसका करेक्ट इडियम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, रॉन्ग ट्री पे जाके आप बार्क कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, किसी गलत पर्सन पर आरोप लगाना, कुछ ऐसा प्रयास करना जो आपको कोई रिजल्ट नहीं देने वाला हो, राइट आंसर क्या होगा, टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट द रिजल्ट यू वांट, ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 में क्या है, मेकिंग द फाइनल पेपर वॉज अ रियली डिफिकल्ट टास्क बट बाई द एंड ऑफ द वीक आई वॉज एबल टू डैश, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, मेकिंग द फाइनल पेपर वॉज अ रियली डिफिकल्ट टास्क बट बाई द एंड ऑफ द वीक आई वॉज एबल टू रैप माई हेड अराउंड इट, है ना, समझ में आ गया फाइनली, रैप माई हेड अराउंड इट का मतलब होता है समझ में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन रियली हैज डैश, सी मूव्ड टू अ न्यू हाउस जस्ट अ मंथ बैक बट ऑलरेडी हैज अ लवली गार्डन, तो सुमन रियली हैज डैश, इसमें क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, यहां पर किसकी बात हो रही है, लवली गार्डन की बात हो रही है, तो कुछ इसी टाइप का यहां पे आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रीन फिंगर्स,
सर इसकी पीडीएफ मिलेगी क्या? नो, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी क्योंकि इस पीडीएफ में आंसर नहीं दिया हुआ है। इस पीडीएफ में सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ है। जब मैं यहाँ पर आपको करवा ही रहा हूँ तो पीडीएफ का फिर क्यों यहाँ पर बात करना, मतलब भी बता दे रहे हैं। और वीडियोस को फास्ट इसीलिए बना रहे हैं ताकि रिवीजन के लिए आप इसको स्पीड बढ़ा के 1.5x पे आप देख सकें। तो पीडीएफ नहीं मिलने वाला है। जितना बच्चा यहाँ पर पीडीएफ सोचकर अगर वीडियो स्किप करने की कोशिश करेगा, लॉस उसका है। जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, प्रॉफिट उनका ही होने वाला है, ठीक है। ग्रीन फिंगर्स यहाँ पर जो है, ग्रीन फिंगर्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ग्रीन फिंगर्स। श्वेता का कहना है कि सर किसी का रॉन्ग हो ही नहीं रहा है मेरे अलावा, क्योंकि श्वेता सब पढ़ा है, प्रीवियस का क्वेश्चन है तो सब पढ़ा है, ठीक है, इसीलिए सब जो है करेक्ट बना रहे हैं। ओके, ग्रीन फिंगर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवी, पल्लवी वर्क्ड रियली हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड डैश टू गेन सक्सेस। तो पल्लवी जो है बहुत ही वर्क हार्ड कर रही है, रियली वर्क हार्ड कर रही है फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के लिए, एंड डैश टू गेन सक्सेस। राइट आंसर क्या होगा? लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि हर संभव प्रयास करना इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका? लिसन, यू नीड टू प्रायोरिटाइज, यू कांट हैव योर डैश। लिसन, सब लोग लिसन करो, लिसन, यू नीड टू प्रायोरिटाइज, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। यू कैन नॉट हैव योर व्हाट, यू कैन नॉट हैव योर फिंगर इन एवरी पाई। हर मामले में आपको अब टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, शामिल होने की जरूरत नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? फिंगर इन एवरी पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियली आई थॉट आई कुड पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल स्कॉलर कंटेस्ट बट व्हेन आई सॉ द प्रिपरेटरी मटेरियल आई डैश, आई डैश में क्या आएगा? यानी कि गॉट कोल्ड फिट, यानी कि हाथ पांव ठंडे पड़ जाना, डर जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 84 में है, माई पेरेंट्स टाइम वी मोस्टली एट एट होम एंड फैमिली आउट गोइंग हैपेंड डैश। इन माई पेरेंट्स टाइम वी मोस्टली एट एट होम एंड फैमिली आउटिंग हैपेंड डैश। फैमिली आउटिंग जो है इस फैमिली में वंस इन अ ब्लू मून है, जो कि कभी कभार ही घटित होता है, बहुत दिनों पे एक बार घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट स्टूडेंट्स ऑफ योर हैज सच साउंड वैल्यू, सी इनडीड अ डैश। दैट स्टूडेंट्स ऑफ योर हैज सच अ वैल्यूज, सी इनडीड अ रेयर बर्ड, सी इनडीड अ रेयर बर्ड, मतलब एक असाधारण व्यक्ति या वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेज कैन नॉट डैश टू रैगिंग बिकॉज ऑफ द एंटी रैगिंग एक्ट। तो कॉलेज जो है अब नहीं कर सकता है क्या? रैगिंग, क्योंकि एंटी रैगिंग एक्ट लागू हो चुका है। यानी कि टर्न अ ब्लाइंड आई यहां पे हो जाएगा, टर्न अ ब्लाइंड आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द स्टाफ मीटिंग देयर वॉज अ लॉट ऑफ रक्स सिंस मेनी डिडेंट डैश द ऑथोरिटीज। बहुत लोग क्या थे? सी आई टू आई, बहुत लोग सहमत नहीं थे एक दूसरे से, सी आई टू आई हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कुड मेक आउट दैट द कन्वर्सेशन was leading to a fight, so I dash. I could make out that the conversation was leading to a fight, so I nipped it in the bud. Nipped it in the bud का मतलब क्या होता है? किसी
चीज को जड़ से शुरुआत अवस्था में ही खत्म कर देना, स्टार्टिंग में ही खत्म कर देना। द ट्रबल मेकर्स टुक टू देयर हील्स व्हेन दे सॉ द पुलिस कमिंग। तो ट्रबल मेकर्स जो हैं वो भाग गए हैं पुलिस को देखते ही। क्या होगा राइट आंसर 89 का? ये तो पढ़ने से ही पता चल रहा है कि ट्रबल मेकर्स टुक टू देयर हिल का क्या होता है, भाग जाना, यानी कि रैन अवे। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा रैन अवे, भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अंशुल टोल्ड एवरीवन दैट ही हैड रिजाइंड हिज जॉब ऑल द मेंबर्स इन द फैमिली वेयर एट देयर विट्स एंड। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 90 का? When Anshul, जब Anshul ने सभी लोगों को बताया that he resigned his job, अपने जॉब से उसने इस्तीफा दे दिया है, तो सभी members क्या हुआ at their wits end का मतलब quite perplexed, मतलब दुविधा में आ गए, टेंशन में आ गए कि क्यों ऐसे resign कर दिया। Full of beans, full of beans का क्या होता है यहाँ पर correct idiom, full of beans। फुल ऑफ बीन्स का क्या होता है मतलब कि लिवली एंड एनर्जेटिक, यहाँ पे राइट आंसर होगा लिवली एंड एनर्जेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है, दिस इज स्ट्रिक्टली डैश बट सम चेंजेस आर गोइंग टू हैपन इन द कंपनी इन द नियर फ्यूचर। दिस इज स्ट्रिक्टली व्हाट? ऑफ द रिकॉर्ड यहाँ पे हो जाएगा, दिस इज स्ट्रिक्टली ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब कि ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी बात जो अनौपचारिक ढंग से कही गई हो, ऑफ द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे तो आप नहीं कह सकते हैं वो बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ लॉन्ग टाइम ही केप्ट हिज वाइफ इन द डार्क अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ हिज जॉब। देखो बहुत दिनों से वो अपनी पत्नी को अंधेरे में रखा और अपने रियल जॉब के बारे में नहीं बताया। लगता है जन्नत मूवी का इमरान हाशमी था, इसने बताया नहीं अपने लवर वन को कि भाई मैं क्या काम करता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 93 का, इन इग्नोरेंस, इन इग्नोरेंस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंधेरे में रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई इन द स्काई, पाई इन द स्काई का करेक्ट इडियम क्या होता है, पाई इन द स्काई, पाई इन द स्काई का मतलब होता है जो संभव ना हो, है ना, जो संभव ही नहीं हो, समथिंग नॉट पॉसिबल, पाई इन द स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेल लाइक हॉट केक्स, शेल लाइक हॉट केक्स को हम क्या कहेंगे, शेल लाइक हॉट केक्स, इसका मतलब होता है जो आसानी से जल्दी बिक जाए, टू सेल क्विकली जो है यहां पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सेम बोट, इन द सेम बोट का मतलब क्या होगा, ये है बोट और आप भी इसमें हैं और ये भी इसमें है और लहरें आ चुकी हैं, यानी कि सेम सिचुएशन, इन द सेम सिचुएशन, इन द सेम बोट का मतलब होता है इन द सेम सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ डैट मिस्टर कृष्णमूर्ति हैज रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी हिज डॉटर इज डैश, हिज डॉटर इज वॉट। अब देखिए, क्योंकि कृष्णमूर्ति जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं अपने कंपनी से, तो क्योंकि उनकी एक बेटी जो है अब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर ही आ गया है, वह जिस पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हो, इसका मतलब क्या हो गया, इन द ड्राइवर सीट, ड्राइवर सीट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, दे टॉक्ड ओवर द मैटर ऑफ हिज लीविंग द जॉब एंड गोइंग फॉर फर्दर स्टडीज, इसका क्या होगा राइट आंसर। वेरी गुड, सबका आंसर एकदम करेक्ट में आ रहा है, बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा है यहाँ पर। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट भी लिखा हुआ है, और भी ज़्यादा आपको मोटिवेट हो रहा होगा ये सब का आंसर देकर। नेक्स्ट राइट आंसर क्या होगा, डिस्कस्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, डिस्कस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित वाज डैश व्हेन ही टुक important decision without consulting the family। तो रोहित वाज
डैश क्या होगा यहां पर? रोहित वाज टोल्ड टू फाइट हिज ओन बैटल हिमसेल्फ, मतलब स्वयं की लड़ाइयां स्वयं लड़नी होती है किसी को भी, कोई भी प्रॉब्लम किसी को खुद ही फेस करना पड़ता है, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो अब रोहित जो है अपना प्रॉब्लम खुद फेस करने वाला है, खुद बैटल फेस करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राधा, चलिए, राधा इज अनेबल टू कंटिन्यू वर्किंग इन द ऑफिस, हार्ड वर्क इज डैश ऑन हर हेल्थ। अब राधा जो है अब कंटिन्यू नहीं करेगी अपने काम को अपने ऑफिस में, हार्ड वर्क इज डैश ऑन हर हेल्थ। किसी चीज पर कोई दुष्प्रभाव छोड़ना यानी कि टेकिंग अ टॉल ऑन, जो हार्ड वर्क जो इतना मेहनती काम कर रही थी उससे उसके हेल्थ पे असर दिख रहा था, इसीलिए अब वो कंटिन्यू नहीं करने वाली है, यानी टेकिंग अ टॉल ऑन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर सिनोनिम्स आने वाला है, तो आप जल्दी से बताइए कि अभी जो आपने 51 से 100 क्वेश्चंस इडियम्स का बनाया उसमें कितना रॉन्ग हुआ है, कितना रॉन्ग हुआ है ये पहले जल्दी से आप कॉमेंट करके बताइए, जितने भी सीरियस लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं। वेरी गुड, कृष्णा तोमार, विदुषी रानी, सुश्री, प्रियंका कुमारी, भास्कर, बबलू यादव, वर्षा रानी, वर्षा कुमारी, रवि रजाक, प्रियंका मजुमदार, वेरी गुड, दिलीप द्विवेदी, सबका आंसर सही आ रहा है। मानसी कौशल का 99 आया है, प्रियंका मजुमदार 49, वेरी गुड, भास्कर 49, तमन्ना 50 out of 50, जुल्मी जाट, अरे जुल्मी, जुल्मी का 3 और प्लस माइनस, चलो सही है। सुश्री 49, वेरी गुड, श्रवण 4 रॉन्ग हुआ है, दूती मंडल 99 चल रहा है, प्रियंका कुमारी 49, बहुत सही जा रहे हैं। आशुतोष श्रीवास्तव 50 out of 50, वेरी गुड। रोहित झा, सर ये क्लास फिक्स कीजिए। ओके, चलिए, और जिन लोगों का नाम नहीं लिए हैं सब के लिए क्लैपिंग, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, क्लैपिंग। चलिए अब देखते हैं कि सिनोनिम्स में आपका क्या सीन होने वाला है, ठीक है, सिनोनिम्स में क्या सीन होने वाला है। एक 30 सेकंड का मेरा ब्रेक, थोड़ा बोलते बोलते थोड़ा मुझे भी तो रिलैक्स होना है ना। चलिए फर्स्ट का आप आंसर दीजिए बस, और मेरा ब्रेक है 30 सेकंड का। चलिए अब मैं यहाँ पर प्रेजेंट हो चुका हूँ, चलिए तो अब यहाँ पर तैयार हो जाइए सिनोनिम्स का रिवीजन के लिए। मैसिव का क्या होगा सिनोनिम्स? देखिए 101 से लेकर 150 तक जो है सिनोनिम्स आने वाले हैं, तो बार बार मैं सिनोनिम्स नहीं बोलूँगा, है ना, एंटोनिम्स आएगा खुद पता चल जाएगा। अभी जितने क्वेश्चन हैं सब सिनोनिम्स है, तो मैसिव का सिनोनिम्स क्या होगा? मैसिव का मतलब होता है विशाल, बड़ा, यानी कि ह्यूज, यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेन, इसका क्या होगा? फेन का मतलब क्या होता है? बहाना करना, ढोंग करना, यानी कि प्रिटेंड यहां पे राइट आंसर होगा। वेरी गुड, प्रिटेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, कमेंडेबल, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंडेबल का क्या होगा? इसका मतलब होता है सराहनीय, सराहनीय परफॉर्मेंस होता है ना, कमेंडेबल परफॉर्मेंस, यानी कि प्रेज वर्थी, यहां पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेसी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खुशी, है ना, खुशी होता है इसका मतलब, तो राइट आंसर क्या होगा? हैप्पीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन डेम, डेम का मतलब क्या होता है? महिला, यानी कि लेडी यहां पे राइट आंसर होगा। एन इल्डरली और मैच्योर वुमेन हम कहते हैं डेम को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का क्या होगा सिनोनिम्स? एफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध, यानी कि एफ्लुएंट का क्या हो जाएगा, वेल्दी, यहां पे राइट आंसर है, वेल्दी का मतलब होगा धनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का क्या होगा यहां पर मतलब, होता है ना कोई कोई सिचुएशन जो कि ऑकवर्ड होता है, भद्दा होता है, बेकार होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, क्लम्सी यहां पे राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूरेट, एक्यूरेट का क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर, एक्यूरेट का एक्यूरेट यानी कि एग्जैक्ट, केयरफुल अबाउट डिटेल्स, राइट आंसर क्या होगा यहां पर प्रिसाइज, यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमर्स, इमर्स का क्या होगा यहां पर राइट आंसर, इमर्स का मतलब होता है डूब जाना, प्यार में डूब जाना नहीं, पानी में डूब जाना, ठीक है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा सबमर्ज, यहां पे राइट आंसर है सबमर्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होगा राइट आंसर, वेलोसिटी का मतलब स्पीड होगा यहां पे राइट आंसर, द स्पीड ऑफ समथिंग इन अ गिवन डायरेक्शन स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडिकल, रेडिकल का क्या होगा यहां पे राइट आंसर, इसका मतलब होगा एब्सोल्यूट। नेक्स्ट, एक्सक्यूजन का क्या होगा, इसका मतलब होता है भ्रमण, यानी कि क्या होगा, एक्सक्लूजन का मतलब होता है भ्रमण, इधर उधर कहीं कहीं जाना घूमना, शॉर्ट जर्नी और ट्रिप, टूर यहां पे होगा राइट आंसर। ओके, टूर इज योर राइट आंसर। नीन कंपाउंड का क्या होगा, ये सब सीपीयू में पूछा गया है, नीन कॉम्प पोप का क्या होगा यहां पे राइट आंसर, इसका मतलब होता है मूर्ख इंसान, है ना, अ फुलिश और स्टूपिड पर्सन, यानी कि क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, फुलिश, फुलिश यहां पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवॉइड, अवॉइड का क्या होगा यहां पर सिनोनिम्स, अवॉइड नाम से ही पता चल रहा है, अवॉइड करना यानी कि किसी को, किसी से बच के निकलना, किसी को इग्नोर करना, यानी कि इवेड यहां पे राइट आंसर होगा, इवेड, ई वी ए डी ई, इवेड होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जीक्यूट का क्या होगा राइट आंसर, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मतलब क्या हो गया, लागू करना, किसी चीज पर अमल करना, यानी कि इंप्लीमेंट, इंप्लीमेंट होगा यहां पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेमेडी, रिमेडी का क्या होगा यहां पे राइट आंसर, अ रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज, पैनिशिया बोलते हैं ना, अ रेमेडी का क्या होगा यहां पर आंसर, क्योर यहां पे करेक्ट आंसर होगा, क्योर यहां पे राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिप, फिलिप का क्या होगा यहां पे राइट आंसर, फिलिप का मतलब होता है प्रोत्साहन, है ना, प्रोत्साहन होता है इसका मतलब, किसी को बढ़ावा देना होता है, यानी कि क्या होगा यहां पे बूस्ट यहां पे करेक्ट आंसर होगा, बूस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड का क्या होगा यहां पे राइट आंसर, टी आर ई ए डी, ट्रेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चलना, है ना, चलना, यानी कि वॉक यहां पे होगा राइट आंसर, वॉक इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैमसल का क्या होगा राइट आंसर, रिवीजन क्लास है, स्पीड आपका इतना ही रहना चाहिए, डैमसल का क्या होगा यहां पर मेडल,
मतलब अविवाहित स्त्री, अविवाहित युवती आप कह सकते हैं, इसका मतलब होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विजिनरी। विजिनरी का क्या होगा राइट आंसर? विजिनरी विजिनरी का होगा यहां पर राइट आंसर प्रैग्मैटिक। प्रैग्मैटिक यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेस। प्रोफेस का क्या होगा राइट आंसर? प्रोफेस। प्रोफेस का मतलब क्या हो गया? स्वीकार करना, है ना, खुले आम स्वीकार करना कि हाँ मैं तुमसे प्यार मतलब करता हूं, ठीक है। यस, स्वीकार करना यानी कि एडमिट। एडमिट यहां पर राइट आंसर होगा, एडमिट। पी फॉर प्रोफेस होता है, पी फॉर जो है पी फॉर क्या बोल रहे हैं, प्रोफेस का मतलब होता है स्वीकार करना, एडमिट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेक। देखिए फेक का क्या होगा राइट आंसर? फेक का राइट आंसर क्या होगा? फेक। फेक मतलब क्या हो गया? असत्य, है ना, नकली। राइट आंसर क्या होगा? हाँ, कंट्रोल 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 उदय कंट्रोल। तो यहां क्या होगा? फॉल्स जो है यहां पे राइट आंसर है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सट्रिकेट का क्या होगा? एक्सट्रिकेट का मतलब क्या होगा? एक्सट्रिकेट का मतलब होगा रिमूव, हटा देना, मैंने निकाल कर फेंक दिया है अपने दिल से, एक्सट्रिकेट, रिमूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का क्या होगा राइट आंसर? सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट आ चुका है मेरे पास, यानी कि सब्स्टिट्यूट होगा रिप्लेस, उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट हुआ, रिप्लेस हो गया यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेटुअस का क्या होगा? मतलब आभारी, इसका मतलब होगा आभारी, मैं तुम्हारा आभारी हूं, ठीक है, यानी कि ग्रेटफुल यहां पे राइट आंसर है। वेगा बॉन्ड। वेगा बॉन्ड का क्या होगा राइट आंसर? वेगा बॉन्ड। इसका मतलब होता है आवारा, अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन फुट इन सर्च ऑफ वर्क और एज अ वैग्रेंट और वेगर। वेगाबॉन्ड मतलब आवारा, है ना, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? ट्रैम्प यहां पे करेक्ट आंसर है, ट्रैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेंट का क्या होगा? चलिए राइट आंसर क्या होगा कॉम्प्लेन का यहां पर क्वेश्चन नंबर 127 का? सबमिसिव यहां पर राइट आंसर है, ठीक है, सबमिसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्चिंग। लॉन्चिंग का क्या होगा राइट आंसर? लॉन्चिंग, लॉन्च करते हैं, बहुत सारे मूवी आप देखते होंगे जो लॉन्च होता है, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, इंट्रोड्यूसिंग, मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिम्युलेशन। स्टिम्युलेशन का क्या हम कहते हैं स्टिम्युलेशन को? स्टिम्युलेशन। आंसर देते रहो महायोद्धा लोग, आंसर देते रहो सब लोग। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? प्रोवोकेशन यहां पर राइट आंसर होगा, है ना, उकसाना, स्टिमुलेट करना, उत्तेज करना, उत्तेजना, यानी प्रोवोकेशन यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिप्लेस्ड। रिप्लेस्ड का क्या होगा? रिप्लेस्ड। रिप्लेस्ड का मतलब होता है किसी के स्थान पर रखना, है ना, यानी कि सब्स्टिट्यूटेड यहां पे राइट आंसर होगा रिप्लेस्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉन्टैमिनेटिंग का क्या होगा राइट आंसर? कॉन्टैमिनेटिंग। कॉन्टैमिनेटिंग का मतलब क्या होता है? प्रदूषण, है ना। राइट आंसर क्या होगा? पॉल्यूटिंग यहां पर करेक्ट आंसर है, पॉल्यूटिंग, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्यूज।
इनफ्यूज का क्या होगा राइट आंसर? इनफ्यूज। इनफ्यूज का होगा यहां पर फिल, आंसर होगा यहां पर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसुएड का क्या होगा राइट आंसर? परसुएड। विश्वास दिलाना, परसुएड यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? कन्विंस। कन्विंस यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा परसुएड का, कन्विंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनडिस्टिंग्विशेबल का क्या होगा राइट आंसर? यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसर्न का क्या होगा यहां पे राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 135 का, भेदभाव करना। डिसर्न का क्या होगा मतलब? भेदभाव करना यानी कि डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्क्रिमिनेट। हार्डशिप, हार्डशिप का क्या होने वाला है यहां पर सिनोनिम्स? हार्डशिप, हार्डशिप का मतलब हो तो हो गया यहाँ पर मतलब कि मेहनती वाला काम, कष्टदायक काम, यानी यहाँ पे माइजरी यहाँ पे राइट आंसर होगा, माइजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रावीन का क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? कॉन्ट्रावीन का मतलब होता है अवहेलना करना, अवहेलना करना, कॉन्ट्रावीन करना यानी कि ब्रीच, है ना, ब्रीच का मतलब हो गया उल्लंघन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सेपरेटिंग का क्या होगा राइट आंसर? यहाँ क्या हो जाएगा आपका? फ्रस्ट्रेटिंग, है ना, फ्रस्ट्रेटिंग करेक्ट आंसर है। लिरिकल, लिरिकल का क्या होगा सिनोनिम्स? लिरिकल, किसी भी संगीत का लिरिकल, लिरिक्स जो होता है आपको संगीतमय, रिलेटिंग टू म्यूजिक है ये, यानी कि म्यूजिकल यहाँ पर करेक्ट आंसर है, म्यूजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिमोयर का क्या होता है मतलब? मिमोयर, डायरी यहां पे होगा राइट आंसर, ठीक है, डायरी। मेमोयर का मतलब क्या होता है? जो चीज आपको याद है अपने पर्सनल नॉलेज से किसी चीज को लिखना, डायरी में ही लिखते हैं, डायरी इसका हो गया सिनोनिम्स। इनिग्मैटिक का क्या होगा राइट आंसर? इनिग्मैटिक का क्या होगा करेक्ट आंसर? रहस्यपूर्ण होता है इसका मतलब, रहस्यमय यानी कि मिस्टीरियस यहां पे होगा करेक्ट आंसर, मिस्टीरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन रिक्विजिट का मतलब क्या होगा? रिक्विजिट का मतलब होता है आवश्यक, है ना, आवश्यक, जिसका यहां पर राइट आंसर होने वाला है अपना क्या होगा? ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिंच्ड, क्लिंच्ड का मतलब होता है अंतिम निर्णय लेना, अंतिम निर्णय लेना, यानी कि फाइनलाइज यहां पे होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूसिव, एल्यूसिव का क्या होने वाला है करेक्ट आंसर? एल्यूसिव का मतलब होता है पकड़ में ना आने वाला, यानी कि इनटेंजिबल यहां पे होगा करेक्ट आंसर, इनटेंजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिट्रैक्टर्स, इसका क्या होगा? मतलब ऐसा पर्सन जो लोगों का क्रिटिसाइज करता हो, आलोचना करता हो,
है ना, आलोचक हम बोल सकते हैं, क्रिटिक्स यहाँ पे होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इमिनेंट। इमिनेंट का क्या होगा, इमिनेंट इमिनेंट का मतलब होता है अबाउट टू हैपन, यानी कि अभी होने वाला, आगामी यानी कि फोर्थ कमिंग। जैसे कि अभी जो है एंटोनिम्स होने वाला है अभी तुरंत। प्लेस्ड, प्लेस्ड का क्या होगा राइट आंसर, प्लेस्ड का क्या होने वाला है राइट आंसर, प्लेस्ड। प्लेस्ड का मतलब वादा, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी मत करना, वादा तो ऑलवेज टूट जाता है ना। प्लेस्ड का क्या होगा, प्रोमिस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिसप्रोपोर्शनेटली। इसका होगा अनरीजनेबली, है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है, प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का क्या होगा यहां पर राइट आंसर, प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब होता है रक्षात्मक, यानी कि प्रिवेंटिव का क्या हो जाएगा यहां पर, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्टेड का क्या होने वाला है यहां पर सिनोनिम्स, नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्टेड का क्या हो जाएगा, इग्नोर्ड। इग्नोर्ड यहां पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आपका एंटोनिम्स आने वाला है, तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि अभी जो 50 क्वेश्चंस आपने बनाया सिनोनिम्स का, इसमें कितने गलती हुए हैं आपके। बहुत सही है पुलकित मिश्रा, रोहित झा, भास्कर, मेघनाथ, कृति मिश्रा, विदुषी, तमन्ना, कृष्णा, रवि रज्जाक, प्रियंका, सरज। पोर्टल पे क्लास नहीं है क्या, पोर्टल की जगह पे आज यूट्यूब पे ही क्लास कर रहे हैं, पोर्टल में बाद में क्लास करेंगे। सक्षम, वेरी गुड, 45 सही हुआ है। भास्कर 48 जा रहा है, तमन्ना का 44, पुलकित का जा रहा है, वेरी गुड। दूति 49, बहुत सही है। 5 गलत हो गया है सक्षम का, वेरी गुड। कहाँ हो तुम, आंसर कहाँ है, 47, वेरी गुड। श्वेता कटारिया, श्वेता कटियार 45। चलिए तो अब हम एंटोनिम्स के दुनिया में चलें। 30 सेकंड का ब्रेक, मेरा 30 सेकंड का ब्रेक, तब तक आप इसका आंसर दीजिए। चलिए स्टार्ट करें हम लोग, खेला होबो, खेला होबो, खेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन होबो, क्वेश्चन होबो, खेला होबो नहीं, क्वेश्चन होबो। एसॉल्ट, एसॉल्ट का अब यहाँ से एंटोनिम्स की दुनिया में है हम लोग, जहाँ पर 151 से 200 क्वेश्चन होगा और ये हमारा अंतिम सेक्शन है, ठीक है, इसके बाद क्लास खत्म। तो यही अंतिम देना है आप लोगों को मस्त तरीके से। चलिए चलिए, एसॉल्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एसॉल्ट का मतलब यहां पर हो गया हमला, तो रिट्रीट होगा इसका राइट आंसर, रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब पीछे हटना, एसॉल्ट का मतलब हो गया हमला, तो पीछे हटना हो गया रिट्रीट। थोड़ा सोच समझ के आप लोग आंसर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इंटेंशनल। ऑसम सेशन, यस प्रियंका, थैंक यू, थैंक यू प्रियंका। चलिए इंटेंशनल का मतलब क्या हो जाएगा, इंटेंशनल का देखिए, इंटेंशनल का मतलब क्या होता है, जानबूझकर कोई काम करना। तो वॉलंट्री का क्या हो जाएगा, स्वेच्छा से। अब आप जानबूझकर कर रहे हैं और यहां क्या है, वॉलंट्री, तो बी होगा राइट आंसर।
है ना, बी होगा राइट आंसर, एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंट नहीं होगा, दुर्घटना कहाँ पहुंचा दिए आप, इंटेंशनल। अब जैसे कि एक्सीडेंट भी कहीं कहीं देखे हैं हम भी एक्सीडेंट, लेकिन इंटेंशनल का तो मतलब हो गया कि कोई चीज़ जैसे कि इंटेंशन से किया जा रहा है, और वॉलेंट्री का मतलब भी तो होता है स्वेच्छा से करना, एक्सीडेंटल ही होगा, चलिए एक्सीडेंटल ही होगा, हाँ ये गलती से हो गया, एक्सीडेंटल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, गलती से, एक तो इंटेंशनली किया है और एक्सीडेंटल जो है इसका अपोजिट हो जाएगा, हाँ 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 गलत हो वो, यहाँ खेला हो वो की जगह गलत हो वो, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लैमेंट। चलिए यहाँ पे लैमेंट का मतलब क्या होता है, लैमेंट का मतलब होता है विलाप करना, क्वेश्चन गलत हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सेलिब्रेट, जश्न मनाना, उत्सव मनाना, सेलिब्रेट इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अप्लॉड, अप्लॉड का मतलब क्या होता है, सराहना, किसी का अप्लॉड करना, वाह शेरू तुमने तो सही बनाया, अप्लॉड किया आप, तो डिनाउंस का मतलब क्या होगा, आरोप लगाना, हाँ हाँ तुमने ही गलत किया है वो चीज़, यानी कि डिनाउंस यहाँ पे हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनरेज्ड का क्या होगा राइट आंसर, इनरेज्ड का मतलब क्या होता है, गुस्से से, है ना, गुस्से से होता है इसका मतलब, इनरेज्ड का गुस्से से, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लीज्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब खुशी से, प्रसन्न होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ये तो एकदम सिंपल है, अनंत, जिसका कोई लिमिट ही नहीं हो, अनंत, इनफाइनाइट, लेकिन अब देखिए डाटा पैक अगर आपका इनफाइनाइट कर दे तब तो आप दिन भर यूज़ करेंगे, लिमिटेड रहता है 1 से 1.5 GB या 2 GB, यानी इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, लिमिटेड, लिमिटेड जो है यहाँ पर बाउंडलेस नहीं होगा, लिमिटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टीजियस, चलिए इसका क्या होगा, कॉन्टीजियस का मतलब क्या होता है, समीप, समीप होता है, है ना, एडजेसेंट, एडजॉइनिंग, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, सेपरेटेड यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन 158 में सबसाइड का, सबसाइड का क्या होने वाला है यहाँ पर, एंटोनिम्स, सबसाइड का मतलब होता है कम होना, कम होना, और इनलार्ज का मतलब क्या होता है, विस्तार करना, तो सबसाइड का क्या होगा, इनलार्ज। नेक्स्ट इनिशिएट, इनिशिएट का क्या होगा, इनिशिएट का मतलब क्या होता है, आरंभ, इनिशिएट का मतलब होता है आरंभ करना, किसी चीज को शुरुआत करना, फिनिश का मतलब हो गया जस्ट अपोजिट, खत्म कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंज्यूम, कंज्यूम का क्या होगा, कंज्यूम का मतलब हो गया उपभोग करना, है ना, तो जब आपने भोग कर लिया तो सुबह सुबह क्या किया, एग्जॉस्ट कर दिए तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्टेबल, स्टेबल का मतलब क्या होगा, स्टेबल का एंटोनिम्स, स्टेबल है मतलब कि स्थिर है, है ना, स्थिर है, तो क्या हो जाएगा, शेकी, शेकी, शेक समझ रहे हैं ना, बस अस्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन, इसका क्या होगा,
इसका मतलब होता है पतन, गिरावट, डिक्रीज इन वैल्यू। तो इंक्रीज हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में चले हम लोग, एयूडाइट का क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, विद्वान, है ना, विद्वान पंडित। तो इसका इसका अपोजिट क्या होगा, इग्नोरेंट, मतलब अनजान है उस चीज से, लैकिंग ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ बीट, ऑफ बीट का क्या हो जाएगा, ये होगा आपका अनकन्वेंशनल। ऑफ बीट का मतलब, तो कन्वेंशनल जो है इसका हो जाएगा एंटोनिम्स। नेक्स्ट फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब बंजर, व्यर्थ। तो इसका प्रोडक्टिव जो है इसका करेक्ट हो जाएगा प्रोडक्टिव। नेक्स्ट टेंस, टेंस का क्या होगा यहां पर, टेंस का क्या होगा यहां पर, टेंस तनावपूर्ण, बहुत ज्यादा टेंशन में है, तनाव है। तो रिलैक्स्ड हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट, अब हम तनाव में नहीं है, रिलैक्स्ड है। क्वेश्चन नंबर 167, परटर्ब का क्या होगा यहां पे राइट आंसर, इसका मतलब क्या होता है, मेक एनॉक्सियस और अनसेटल्ड, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, इसका आंसर हो जाएगा यहां पर आपको कमेंड, यहां पे होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्यूगनेंट का क्या होगा, इसके बाद था इम्पेड, इम्पेड नहीं हुआ ना, इम्पेड, यस इम्पेड का क्या होगा, इम्पेड का यहां पर क्या होगा, इसका मतलब होता है बाधा डालना, किसी काम में बाधा डालना, यानी कि लेट करवाना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, एक्सपेडेट यहां पे होगा, जल्दी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिप्यूजनेंट का क्या होगा यहां पर राइट आंसर, यहां पे राइट आंसर क्या होने वाला है, प्रतिकूल हम इसको बोलते हैं, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, प्लीजेंट। नेक्स्ट डूबियस, यानी कि संदिग्ध, है ना, यानी कि लाइकली इसका होगा जस्ट अपोजिट, लाइकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमीन का क्या होगा, डिमीन का मतलब क्या होता है, नीचा दिखाना। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होने वाला है, एडमायर, यानी प्रशंसा करना। इंसिडियस का क्या होगा, इसका मतलब होता है धोखेबाज, कपटी। तो यहां पर होगा सिंसियर,
ईमानदार, रेकलेस। रेकलेस का एंटोनिम्स क्या होगा? रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। तो लापरवाह है तो इसका अपोजिट क्या होगा? कॉशियस, सतर्क। एंड्योरेंस, एंड्योरेंस का क्या होता है? धीरज। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? इंडोलेंस, इंडोलेंस। एडेप्ट, एडेप्ट का क्या होने वाला है यहां पर? एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब क्या होता है? निपुण। यानी कि इनेप्ट होगा, इनेप्ट का मतलब होता है अयोग्य। अपोजिट इनेप्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर्टलिटी। मतलब मृत्यु दर, यहां पे क्या होगा? बर्थ हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट, बर्थ। नेक्स्ट डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का क्या होने वाला है? डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब हो गया, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? एडॉप्ट। डिस्कार्ड करना मतलब मना करना, एडॉप्ट मतलब स्वीकार करना, गोद लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लंट, ब्लंट मतलब बहुत बेकार, यानी कि शार्प मतलब हो गया तेज तर्रार, शार्प। नेक्स्ट है इनेट का क्या होगा? इनेट का मतलब क्या होता है? जन्मजात, है ना। इनेट का हो गया जन्मजात, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक्वायर्ड, एक्वायर्ड होगा यहां पर राइट आंसर, एक्वायर्ड। यस, इनेट का हो जाएगा यहां पर इसका जस्ट अपोजिट एक्वायर्ड। नेक्स्ट टर्बिड, टर्बिड का मतलब हो गया आपका परेशान, एम्बैरेस्ड, अनॉयड, केयर, लैडन। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? क्लियर, क्लियर होगा इसका अपोजिट। नेक्स्ट अवेयर, अवेयर का क्या होगा? अवेयर का जस्ट अपोजिट, अवेयर, अवेयर का जस्ट अपोजिट क्या होने वाला है? अवेयर, अवेयर का होगा इग्नोरेंट। अवेयर है जागरूक है, इग्नोरेंट मतलब नहीं जागरूक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेप्रीमेंड का क्या होगा? रेप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना, फटकारना। तो यहां पे इसका राइट आंसर क्या होगा? रिवार्ड। अब डांट फटकार कर रहे हैं, इसका अपोजिट होगा रिवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्ले का क्या होगा? कॉम्प्लाई का, कॉम्प्लाई का मतलब होता है आपका पालन करना, है ना, पालन करना होता है इसका मतलब। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? अपोज करना, है ना, अपोज इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीज का क्या होगा?
इसका मतलब होता है प्रार्थना करना, विनती करना, अनुनय करना। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होने वाला है आपका, कमांड, है ना, कमांड हो जाएगा जस्ट अपोजिट इसका। नेक्स्ट सैगिशियस का क्या होगा, इसका मतलब होता है चतुर, बुद्धिमान, समझदार, है ना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा आपका इग्नोरेंट, इग्नोरेंट इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एडॉर्न, एडॉर्न का क्या होने वाला है अपोजिट, एडॉर्न का मतलब सजाना, सुंदर बनाना, है ना, सवारना, श्रृंगार करना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसफिगर, डिसफिगर इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉजी का क्या होगा, इसका मतलब होता है गीला, है ना। तो ऑब्वियस बात है गीला का अपोजिट क्या हो जाएगा, सूखा, सूखा का हो जाएगा ड्राई, ड्राई हो गया यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेल, फ्रेल का एंटोनिम्स क्या होने वाला है, फ्रेल, फ्रेल का अपोजिट क्या होगा, फ्रेल का मतलब हो गया दुर्बल, तो रोबोस्ट का यहाँ पर हो जाएगा अपोजिट, मजबूत। नेक्स्ट है आपका कल्पेबल, इसका मतलब होता है आपराधिक, तो इनोसेंट हो जाएगा मासूम, मासूम चेहरा, इनोसेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 119 चिल्वेलस का क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका मतलब होता है उदार, है ना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 190 का राइट आंसर क्या है, कोवार्डली यहां पर होगा राइट आंसर, है ना। एग्जॉल्टेंट का क्या होगा, इसका मतलब होता है खुशी, खुशियां, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, उदास, उदास हो जाएगा, यानी कि डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड यहाँ पे हो जाएगा अपोजिट। अलाइव का क्या होगा, अलाइव, अलाइव का मतलब होता है जिंदा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डेड, यानी कि मरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, तो बैरन जो है इसका अपोजिट हो जाएगा बैरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वार्म, वार्म का क्या होगा, वार्म, ये तो एकदम सिंपल है, वार्म का मतलब हो गया आपका गर्म, तो गर्म का अपोजिट क्या होगा, ठंडा, कूल, ए कूल बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन फीबल, फीबल का मतलब क्या होता है, कमजोर, फीबल का मतलब होता है कमजोर, तो कमजोर का अपोजिट क्या होता है, मजबूत, यानी कि स्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लॉ, इसका मतलब क्या होता है आपका, दोष, फ्लॉ का मतलब होता है दोष, यानी कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, परफेक्शन, है ना, किसी के अंदर दोष है और परफेक्ट इंसान नहीं है, तो इसका अपोजिट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, धार्मिक, स्पिरिचुअल का क्या होता है, धार्मिक, स्पिरिचुअल का होता है आपका धार्मिक, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, मटेरियल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन
इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट का मतलब होता है असिस्ट, बदमाश, नटखट इंसान। तो मॉडेस्ट इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, है ना, मॉडेस्ट विनम्र। प्रेस्टिज, प्रेस्टिज का क्या हो जाएगा, प्रेस्टिज का मतलब होता ही है मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, द रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन, एडमिरेशन दैट पीपुल फील फॉर अ पर्सन बिकॉज ही हैज अ हाई सोशल पोजिशंस और हैज बीन सक्सेसफुल। प्रेस्टिज, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसरिगार्ड। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, डिसहार्टन, डिसहार्टन का मतलब क्या होता है, उत्साह भंग करने वाला, है ना, हतो उत्साह होना, हताश हो जाना। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, इनकरेज, इनकरेज हो जाएगा जस्ट अपोजिट इसका। तो ये रहा आज का आपका वोकैबुलरी का रिवीजन सेशन, वोकैबुलरी का रिवीजन सेशन ये रहा आपका। थैंक यू सो मच। देखिए 50 क्वेश्चंस आज हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, 50 हुआ है आपका idioms का, 50 हुआ साइनो, 50 हुआ एंटो, 200 क्वेश्चंस करके करवा रहे हैं और पूरा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर है। अब आपका टाइम आ गया है स्कोर शेयर करने का 200 में, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से आपका 200 में जो है करीबन जो है 180 प्लस तो करेक्ट एकदम होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स का। और जिन भी स्टूडेंट्स का 195 से ऊपर करेक्ट हुआ है वो तो समझ लो कि प्रीवियस ईयर को घोल के पी गया है, तभी जो है आज के सेशन में 195 प्लस आपका आया है। तो आज सब लोग जाओ, लेकिन इसी प्रॉमिस के साथ कल वापस आना कि कल फिर आप 10 बजे आओगे और अपना लंका में डंका बजाने के लिए आप SSC क्रैकर्स पे जो है पहुँच कर और अपने स्कोर को फिर से आप यहाँ पर शेयर करोगे टेस्ट देने के बाद, है ना। तो कैसा रहा आज का सेट, कैसा रहा आपको, कैसा लगा आपको, बिना लाइक किए तो कोई जाएगा नहीं। 1.5 घंटा से कंटिन्यू में जो है आपके साथ यहाँ पर रिवीजन क्लास में मैं मौजूद हूँ, ठीक है। बोले तो झकास, यस, ओके, यस प्रियंका, बोले तो झकास, सुपर से ऊपर सेशन था, मानसिक कौशल का कहना था। थैंक यू संदीप, 185 है, सक्षम 175 है और प्रियंका मजुमदार तो 197 है, दूती जी 196, अशोक 185, भास्कर 195। सर रात वाली क्लास चलने दो ना सर, एकदम चलने दिया जाएगा, चलिए। तो बहुत सही है, सबका स्कोर बहुत बहुत अच्छा आ रहा है। तमन्ना प्रवीण स्कोर शेयर नहीं की तुम, क्या बात। मानसी, प्रियंका कुमारी का भी 194 है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब आप लोग जाइए और जो करना है कीजिए, है ना। बाकी तो वोकैबुलरी का कोई टेंशन लेना नहीं है, 200 क्वेश्चंस डेली यहाँ पर हम लोग करेंगे, समझ रहे हैं। 1 घंटा 30 मिनट के अंदर में 200 क्वेश्चन आपका रिवाइज करवा दिए विथ वर्ड मीनिंग के साथ, और क्या चाहिए आपको। डोंट क्रॉस योर लिमिट, किसको बोला जा रहा है, क्या हो गया, मैटर फंस गया क्या, क्या हुआ, कोई बताएगा। सक्षम, लगता है सक्षम जो है अपना संयम खो दिया है। देखो यहां पर फालतू का कमेंट कोई नहीं करेगा, सबसे पहली बात तो यही है, और किसी पे टिप्पणी नहीं करेगा। अगर किसी का स्कोर अच्छा आ रहा है या किसी का स्कोर खराब आ रहा है वो उसके लिमिट के ऊपर है, है ना। हाँ तो ये सब नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं, डेली क्लास में आने वाले हैं, तो सब एक दूसरे के लिए जो है कॉम्पिटिटर है और एक तरह का फैमिली रिलेशन हो जाना चाहिए। फैमिली नहीं तो कम से कम स्टूडेंट वाला तो रिलेशन होना ही चाहिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो इसमें अगर स्कोर आ भी गया तो क्या दिक्कत है, आपका नहीं आया तो आपकी प्रॉब्लम है। आप पढ़ाई करते हैं क्या, तो आपका कैसे स्कोर आएगा, जो पढ़ रहा है उसका स्कोर आएगा ही आएगा। नया सेट रहता उसमें 200 में 200 ले आता तब तो कोई बात है। मैंने तो खुद बोला कि 195 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रीवियस है, सब कुछ करवाया गया, क्वेश्चन है, पढ़ाई के टाइम पे टाइम पास करोगे तो कहाँ से स्कोर आएगा। जो पढ़ेगा उसका स्कोर आएगा, जो नहीं पढ़ेगा उसका स्कोर नहीं आएगा,
है ना। और ऐसे भी प्रीवियस ईयर तो सबको पता है कि किरण पब्लिकेशन हो, ब्लैक बुक हो, कोई सा भी बुक हो, एसएससी क्रैकर्स हो, सब पे प्रीवियस ईयर मौजूद है। अब प्रीवियस ईयर का मतलब ही है कि प्रीवियस ईयर को आपको अच्छे से पढ़ के एकदम अच्छे से अपना मतलब कम से कम फुल में फुल स्कोर लाना है बस। सोनिया चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और रात में सब लोग प्रेजेंट हो जाना। रात में भी जो है, अच्छा एक बात बताओ, रात में 100 क्वेश्चन रखें कि 200 क्वेश्चन रखें ये बताओ, 150 क्वेश्चंस रखें। हम अब सोचे हैं कि दो ही क्लास होगा, लेकिन लंबा क्लास होगा और धमाकेदार क्लास होगा। पीडीएफ तो देते ही नहीं हैं आप, पीडीएफ ठीक है, पीडीएफ शेयर कर देंगे, आंसर के लिए आप वीडियो देख लेना। ये सारे क्वेश्चन के टेस्ट सर ने पोर्टल पर रखा है। हाँ, पोर्टल पे भी तो टेस्ट मैंने दिया हुआ है। जिस बच्चा को वोकैबुलरी पे प्रैक्टिस करना है, देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपको पोर्टल पे मिल जाएंगे मेरे टेस्ट वाले सीरीज पे। मैंने हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सारे को टेस्ट के रूप में मैंने रखा है, एक सेट रखा है मैंने 15 मिनट का। पोर्टल पे भी, वहाँ पे भी प्रैक्टिस आप करते रहिए। 200 ठीक है, 200 क्वेश्चंस के साथ 200 क्वेश्चन रात के लिए ठीक है, 200 क्वेश्चंस रात के लिए भी हम लोग मिलेंगे। तो इसका मतलब 9 बजे से लेकर और 10:30 बजे तक आपका क्लास चलने वाला है, तो रात में ही आपसे मुलाकात होगी, है ना। 200 क्वेश्चन सेट करना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रहना बेखबर, टेस्ट देते रहिए। फिर से तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।